Hey guys, this is Zahid Akhtar and you are watching the Zahid Akhtar Vlogs. सर्दियों का मौसम है और हम अपने चैनल पे जैकेट से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाते हुए आ रहे हैं और उन वीडियोस पे एक प्रकार के कमेंट काफी ज्यादा देखने को मिले हैं कि भैया जाहिद एक वीडियो बना दो लेदर जैकेट पे। हमने कहा कि अपनी पब्लिक हमसे कुछ कहे और हम उसको पूरा ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जी आ चुके हैं लेके एक कैंट वीडियो आप लोग के लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे 10, जी हाँ माय लॉर्ड, 10 लेदर जैकेट ब्रांड्स के बारे में जो कि 5,000 रुपए के अंदर आपको आसानी से ऑफलाइन, ऑनलाइन, मिंत्रा पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, शॉपर स्टॉप पे, हर जगह आराम से मिल जाएंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पॉपकॉर्न ले लीजिए और अब करते हैं हम अपनी वीडियो को शुरू। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस मुखड़े को पहली बार देख रहे हैं, मैं कहूँगा आपसे 3-4-5 वीडियो देखिए और जब लगे कि दम है इस लड़के में, सब्सक्राइब करके वो घंटा ज़रूर दबा देगा, क्योंकि जब हम आते हैं तो आपके YouTube की घंटी नहीं बजती है। वैसे अगर आप लोग को मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेनी है तो कॉल मी फॉर ऐप पे हम शाम 6 बजे से 10 बजे के बीच में अवेलेबल रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उस ऐप का लिंक डाला है, इन केस आपको प्ले स्टोर पे ऐप नहीं मिलती है तो कॉल मी फॉर ऐप है, उसको इंस्टॉल करिए, उस पर 10 जाहिद अख्तर सर्च मारिएगा, मैं दिख जाऊंगा और वहां से आप हमको फोन मिला सकते हैं। तो जो भी आपके सवाल है रिलेटेड टू फैशन, ग्रूमिंग, करियर, यूट्यूब, एंटरप्रेन्योरशिप, ब्लॉगिंग, आप हमें कॉल करिए कॉल मी फॉर ऐप पे, हम देंगे आपकी सारे सवालों का जवाब। पहला ब्रांड है लेदर रिटेल और ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा तीनों पे मिल जाएगा। मैं इसके बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनके लेदर जैकेट्स आपको 1600 से 2000 के बीच में देखने को मिल जाएंगे। अभी एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम आज की वीडियो में जितने भी लेदर जैकेट्स के बारे में बात करेंगे ये सब बॉक्स लेदर, आर्टिफिशियल लेदर, PU लेदर से बने हुए लेदर जैकेट हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ओरिजिनल लेदर नहीं है, जो एनिमल स्किन से बनते हैं वो वाले लेदर नहीं है, आर्टिफिशियल लेदर से बने हुए ये लेदर जैकेट्स हैं। और गाइस एक चीज समझ लो, ओरिजिनल लेदर जैकेट्स की स्टार्टिंग ही 8-9 हज़ार रुपये से होती है, मिनिमम बता रहा हूँ 7,500-8,000 से आपको ओरिजिनल लेदर जैकेट देखने को मिलेंगे और फिर वो 20-25-30 हज़ार रुपये तक जाते हैं। तो जो 5,000 रुपये के अंदर आप बोलते हो कि ये मैंने ओरिजिनल लेदर जैकेट लिया है, नहीं, वो PU मटेरियल होता है, फॉक्स लेदर आर्टिफिशियल लेदर का होता है, सिंथेटिक लेदर का वो जैकेट होता है। अगर आपके किसी दोस्त को ऐसा वहम है तो प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा या उसको बता दीजिएगा। और हमारा दूसरा ब्रांड है सीलियो, इनके जो नए आर्टिकल्स हैं, जो इनके फ्रेश अराइवल्स हैं, वो लेदर जैकेट अगर आप लेने चाहते हैं तो आपको पड़ेंगे वो 450 की रेंज में। अगर उनके जो कुछ आउटडेटेड आर्टिकल्स हैं या जिनके स्टॉक कम बचे होते हैं जब उन पे ऑफ चल रहा होता है तो वो आपको 2,500 से 3,000 के बीच की रेंज में देखने को मिल जाएंगे। अभी जिनका 2,500 से 3,000 के बीच का बजट है आप मिंत्रा पे चले जाइएगा, सीलियो के जैकेट इस समय आपको 2,500 से 3,000 के बीच में आराम से देखने को मिल जाएंगे। हमारा तीसरा ब्रांड है रोडस्टर और इसके लेदर जैकेट्स आपको 2,100 से 3,000 के बीच में काफ़ी देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी अलग अलग कलर के भी आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप को काला और टैन ब्राउन के अलावा कोई और कलर लेना है, कोई अलग कलर में आपको खेलना है, देन रोडस्टर इज द ब्रांड फॉर यू। और एक खुशखबरी है अपने लखनऊ की पब्लिक के लिए कि फिनिक्स प्लाजियो में रोडस्टर ओपन हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हो गए इसकी मैं फिनिक्स प्लाजियो जाके रोडस्टर के आउटलेट का व्लॉग बना के आऊँ, कमेंट स्पैम कर दो, इतना कमेंट करो कि मैं मजबूर हो जाऊँ, मैं फटाफट पहुँच जाऊँ। गाइस हम लोग का चौथा ब्रांड बफलो है और बफलो के लेदर जैकेट्स की स्टार्टिंग 3600 रुपये से हो जाती है। अभी एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है आप लोग खुश हो जाएं, जिनका बजट 2,500 के आसपास का है और उनको बफलो लेना है, जनवरी तक रुक जाओ, क्योंकि जनवरी से जब सेल स्टार्ट होती है वीवी में 30% की मिनिमम सेल होती है, आपको 2600 के आसपास ये 3600 वाला जैकेट मिल जाएगा और फिर जब पहनिएगा हमको इंस्टाग्राम पे एक फोटो जरूर भेज दीजिएगा। और पांचवा ब्रांड है रॉन्ग और इसके लेदर जैकेट्स आपको 2,200 से 3,500 के बीच में काफी देखने को मिल जाएंगे, काफी ज्यादा। हमारा सिक्स ब्रांड है द इंडियन गराज कॉर्पोरेशन और इनके लेदर जैकेट्स की स्टार्टिंग हो जाती है 2,500-2,600 रुपए से। अभी ये जो 2,500-2,600 से जो स्टार्टिंग में बता रहा हूँ ये सब 30-40% ऑफ के बाद वाली बता रहा हूँ। अगर आप इनके फ्रेश अराइवल्स खरीदोगे तो वो आपको 4,500-5,000 के आसपास ही देखने को मिलते हैं। हमारा सातवां ब्रांड है स्पाइकर और स्पाइकर के लेदर जैकेट्स जो होते हैं
उनकी स्टार्टिंग 3499 से होती है और काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स स्पाइकर के हैं। सबको पता है कितना बड़ा ब्रांड है, जब पहन के निकलोगे तो लोग मुड़ के देखेंगे। हमारा 8th ब्रांड है ढाडी। अभी इसको कहाँ से लेना है, अलग अलग ई कॉमर्स पे आपको अलग अलग आर्टिकल अलग अलग रेट में मिल रहे हैं। अगर आपका बजट 3000 के आसपास है तो टाटा क्लिक पे इसके कुछ आर्टिकल्स आपको 3500 के आसपास मिल जाएंगे। अगर आपका बजट 4500 के आसपास है तो आजियो से आप ले लीजिए, वहाँ पे आपको 4500 से स्टार्टिंग देखते हुए मिल जाएगी एड हार्डी के लेदर जैकेट्स की। अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, कि जब आप ई कॉमर्स पे शॉपिंग कर रहे होते हो तो कोशिश किया करो कि अलग अलग वेबसाइट पे देख लिया करो। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको एक एक्स वेबसाइट पे 3500 की मिल रही है, वही सेम आर्टिकल आपको हो सकता है किसी और वेबसाइट पे 2500-3000 का मिल रहा हो। तो एक बार पूरा छानबीन कर लिया करो तभी खरीदा करो। कभी एक सवाल दिमाग में नहीं आता कि जाहिद को इतनी डील्स के बारे में पता है, हमें क्यों नहीं पता? मैं तो बहुत शॉपिंग करता हूँ गाइस और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है मेरे को सारी चीज़ों पर। कैसे मिलता है? टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ डील्स और डिस्काउंट वाली चीजें डालते रहता हूँ, तो मेरे साथ साथ आप भी मजे करो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। हमारा 9th ब्रांड है H&M, और H&M के लेदर जैकेट्स आपको 4000 से 4500 के बीच में देखने को मिल जाएंगे। कहाँ से लेना है? H&M स्टोर अभी लखनऊ में भी खुल चुका है, पब्लिक जाइए, दौड़िए जाके खरीदिए, नहीं तो फिर मिंत्रा जिंदाबाद, डिस्क्रिप्शन में बेस्ट वैल्यू में डाल दूंगा। हमारा 10वां और आखिरी ब्रांड है हाइलैंडर, और हाइलैंडर के लेदर जैकेट्स आपको 2000 से 3000 के बीच में देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल हैं, काफ़ी अलग अलग रंगों में आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको रंगीन लेदर जैकेट्स का शौक है और आपको खरीदना है तो हाइलैंडर एक ऑप्शन है। एक डिस्क्लेमर है गाइस, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये जितने भी आर्टिफिशियल लेदर के जैकेट्स होते हैं ये 2 से 3 साल ही टिकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं टिक पाते। वो होता क्या है ना कि वो जैकेट के ऊपर का वो जो आर्टिफिशियल लेदर लगा होता है ना, वो टुकड़ों के भाव में निकल रहा होता है। ये इसलिए बता रहा हूँ, पता चला आपने मेरे बताए गए ब्रांड के जैकेट खरीदे और कल को ऐसा हुआ तो आप कहेंगे जाहिद ने क्या बताया था। भाई देखिए, 5000 के अंदर आप ये सब चीज़ ले रहे हैं और आर्टिफिशियल लेदर जैकेट ले रहे हैं, ऑब्वियसली बात है यार कि वो जाएगा, 2-3 साल से ज़्यादा नहीं टिकेगा। अभी आपका ऐसा मन है कि आपको 10-10 साल एक लेदर जैकेट चलानी है, आप उस वाले विजन से चल रहे हो कि नहीं 7 साल एक लेदर जैकेट चलाएंगे, देन यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ ओरिजिनल ऑथेंटिक लेदर जैकेट जिसकी प्राइस आपको समवेयर अराउंड 10-12 हज़ार के आसपास की मिलेगी, फिर वो चलेगा भैया जब तक आप चलाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा सीन समझ आ गया होगा, और उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं है फॉक्स लेदर जैकेट पहनने में, तो ये 10 ब्रांड से अच्छे ब्रांड आपको नहीं मिलेंगे 5000 रुपए के अंदर। वीडियो में क्या क्या अच्छा लगता है कमेंट जरूर कर दिया करिए। देखिए, आपका एक कमेंट से ना YouTube हमारी वीडियो को 2-4-5 लोगों को और दिखा देता है। अगर आप जेन्युइनली हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अनटिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।